धड़कन, चंबल के नौजवानों की धड़कन, वीर राजा हिंदुत्व के सम्राट वीर राजा हैदराबाद के सम्राट वीर राजा और राजाओं के राजा वीर राजा और आने वाले समय के मुख्यमंत्री वीर राजा। आज हमारे बीच में पधारे हैं चंबल की दिल की गहराइयों से, पिछोर की जनता की तरफ से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सम्मान करता हूं। लेकिन दोस्तों ये आप भी जानते हो, आज सवेरे से पानी थमा नहीं है, उसके बावजूद भी मैं राजा जी से कहूंगा ये जनता आपके लिए पानी बरसते में भी बिजली कड़कते में भी हटी नहीं है दोस्तों, हटी नहीं है। केवल आपके दर्शनों के लिए नारायण थी, अगर पानी नहीं बरसता तो यह जनता आज समाती नहीं, चौतरफा देख लो दोस्तों। ये पिछोर चंबल संभाग की धड़कन आपको दिलों से गहराइयों से आपका सारा सम्मान करती और चाहती है दोस्तों। हमने भी तय कर रखा है, हमारे देश के अंदर दो दो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आज एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। हमारी समाज का सबकी नजर की है तो तीन हजार के हमारे हिंदुस्तान के सीएम बनने के लिए हमने तय कर रखा है चंबल के हमारे चीते 5000 चीते राजा जी आपके हैदराबाद में जाने को तैयार है। बताइए मेरे भाइयों, चंबल के चीतो हमें हैदराबाद जाना है कि नहीं जाना है? मेरा सबसे भाइयों से आग्रह है, आज आपके बीच में मैं बाधा नहीं बनूंगा दोस्तों। मैं तो सीधा सीधा, हमें अगर सुनना है तो हमें राजाओं के राजा की बात सुननी है। लोगों के दिल और कान तड़प रहे हैं राजा जी की आवाज सुनने के लिए, राजा जी की आवाज सुनने के लिए। बताइए आप लोग कब से बैठे हुए हो दोस्तों? हमें पीछे नहीं हटना है दोस्तों, हमें हम अवंती बाई के वंशज हैं, हम अवंती बाई के पचरनों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर पचरनों पर चलने का, अगर हिंदुस्तान में अगर लोधियों ने अगर जन्म लिया है तो बड़ा भाई राजाओं का राजा। तो दोस्तों आपको जैसा करें, जैसा नाम वैसा ही काम। तो मेरे भाइयों, बस हमारी सबकी एक ही आशा है कि हम सब मिलकर पी राजा जी को मुख्यमंत्री देना चाहते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको हमें हदत पार करनी पड़े, चाहे
पूरी चंबल को उठ के हैदराबाद कूच करना पड़ा, लेकिन हम भाई बड़े भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं दोस्तों। बस मैं यही कहना चाहता हूँ।